इंडिया। क्या है इंडिया? आप इंडिया को क्यों जानते हैं? क्या आप बस इंडिया को इसलिए जानते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरी दुनिया में, या फिर सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया? लेकिन इसके अलावा भी इंडिया में ऐसे बहुत कुछ है जो हमें जानने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन सब खूबियों के बावजूद भी इंडिया में इतनी एबिलिटी है कि यह आने वाले समय में नेक्स्ट सुपर पावर बन सके? तो चलिए जानते हैं, एक एक करके हम समझेंगे कि इंडिया इन सब चीज़ों के अलावा भी ऐसा क्या अपने आप में पोटेंशियल रखता है कि आने वाले समय में यह सुपर पावर बन सके। देखिए, सुपर पावर बनने के लिए एक चीज़ तो खास है कि आपके पास इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल स्केल पर चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके, अब चाहे वो इकोनॉमिक की दृष्टि से हो या फिर मिलिट्री की दृष्टि। लेकिन आज के समय में अगर हम सुपर पावर की गिनती करते हैं तो उसमें अमेरिका नंबर वन पर आता है, चाइना, फिर बाकी बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन इंडिया अभी भी इस रेस में काफी पीछे है। तो पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो कि इकोनॉमी के हिसाब से है। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2021 के तहत एक डेटा जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में नंबर वन पर आता है अमेरिका, फिर चाइना, रसिया, जर्मनी और फ्रांस। लेकिन इस लिस्ट में भारत का नंबर 13वां था जो कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ इस रैंक में था। लेकिन भारत की जो GDP है 2015 के अगर आंकड़े की बात करें तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले GDP है, यानी कि हर साल लगभग GDP का 5% फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। कि हम थोड़ा सा भारत के लोकेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है जो 3 तरफ से समंदर से घिरा है, और यही बात इसको और भी खास बनाती है। यानी कि भारत का इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडियन ओशन में या अरेबियन ओशन में अपना एक दबदबा है जो कि एशिया में पावर को बैलेंस करने में मदद करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के आसपास सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो इंडिया को टक्कर दे सकता है, और जाहिर सी बात है इंडिया का चाइना से उतनी तो नहीं बनती जितनी बननी चाहिए। इस वजह से भारत और चाइना में आए दिन कोई ना कोई विवाद देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया को बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज का सपोर्ट है, जैसे कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि चाइना को मिलकर काउंटर करने में सक्षम है। इन सब चीज़ों के अलावा भी भारत में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, अब चाहे वो GDP के मामले में हो या फिर पॉपुलेशन के मामले में। आपको ये बात जान लेना चाहिए कि 1991 से लेकर 2019 तक भारत का जो GDP का परचेसिंग पावर पैरिटी है वो लगभग 772% बढ़ा है। यहीं पॉपुलेशन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। 1960 से लेकर 2011 तक भारत का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 209% बढ़ा है, यानी कि बहुत तेजी से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि यंगर्स की, जबकि वहीं यूरोपियन कंट्रीज में यंगर्स की संख्या बहुत कम है। और एक डेटा तो यह भी बताता है कि 2030 तक चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, चाइना हो, फ्रांस हो, इनमें यंगर्स की संख्या बहुत कम होगी, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ज्यादातर 35 साल से ऊपर है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 50% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र मात्र 24 साल है, जबकि 65% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 35 वर्ष है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लेबर फोर्स कितना यंग है, जबकि ये बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। यही बात इंडिया को यंग और बहुत खास बनाती है, क्योंकि इन खूबियों की वजह से इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जो कि बाकी किसी यूरोपियन कंट्रीज में तो नहीं देखने को मिलता। GDP बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसका असर GDP पर तो जरूर दिखेगा। एक डेटा तो ये भी कहता है कि 2050 आते आते इंडिया की जो PPP है वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी, यानी कि इंडिया की परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 43 ट्रिलियन की हो जाएगी, और पूरी दुनिया में ये दूसरा होगा, यानी कि नंबर वन पर फिर भी चाइना रहेगा। और उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में इंडिया इसको चाइना को भी पीछे कर दे। जहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जो कि एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी लेबर फोर्स की बात करें तो ये अच्छी बात है, और GDP में इजाफा हो रहा तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह जाए? जब सुपर पावर बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके साथ चलना होगा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, इंडिया पिछले कुछ दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और इसका असर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडवेज बन रही हैं, GT रोड्स बन रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या बन रहे हैं जो कि इंडिया को सुपर पावर की रेस में ले जाने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा भी इंडिया एक सेक्टर में और ज़्यादा मेहनत कर रहा हुआ है, हमारा डिफेंस। आपको पता होगा कि हमारा डिफेंस पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इम्पोर्ट के मामले में हो या फिर एक्सपोर्ट के मामले में हो या फिर खुद कुछ हथियार बनाने के मामले में हो। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ा है। पहले की अपेक्षा आज के समय में भारत का जो डिफेंस बजट है वह पूरे GDP का लगभग 2.5% है, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत आज के समय में अपने डिफेंस उपकरणों के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी काम कर रहा है, जो कि इसको सुपर पावर को जरूर बनाएगा। जब हम डिफेंस की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक बात और बता देते हैं,
कि आज के समय में इंडिया पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि अपने डिफेंस में ज्यादा खर्च करती है। सबसे नंबर वन पर है यूएस, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर इंडिया, यानी कि इंडिया का डिफेंस बजट दुनिया में इस समय तीसरे नंबर पर है। हालांकि डिफेंस के अलावा भी इंडिया ने बहुत से चीजों पर काम किया है, जैसे कि वो एजुकेशन हो। आपको पता होगा कि इंडिया पिछले कुछ दशकों से अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। तेजी से होता डिजिटलाइजेशन और हाई टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले के मुकाबले काफी अच्छा हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी समय समय बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक तो वर्ल्ड क्लास पर ले जा सके और इसमें ऐसे सुधार कर सके कि आने वाले समय में इसका जो रिजल्ट है वह हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। देखिए, एक चीज़ तो और है इंडियंस में कि वो पूरी दुनिया में बिखरे रहते हैं। एक डेटा तो ये भी कहता है कि 732 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो इंडियंस हैं और ये पूरी दुनिया में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यानी कि इंडियंस पूरी दुनिया में ही रहते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये पूरी दुनिया में रहते जरूर हैं लेकिन इनकी हालत बाकी लोगों से बेहतर होती है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में CEOs भी इंडियंस हैं, या फिर किसी ऐसी कंपनी की आप बात कर लीजिए जिसमें अच्छी अच्छी पोस्ट पर, चाहे वो सोशली या इकोनॉमिक दृष्टि से हो, रिच इंडियंस ही आपको मिलेंगे। यानी कि वो इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं और पैसे कमाकर इंडिया में भेजते हैं, वह जहां पर भी हैं बहुत अच्छी हालत में हैं। ये बात इंडियंस को और भी खास बनाती है क्योंकि यहां पर इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो इकोनॉमिक दृष्टि से हमारे देश को बहुत मजबूत बनाते हैं और सोशल दृष्टि से हमारे देश की इमेज बाकी लोगों के सामने अच्छा बनाते हैं। देखिए, लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर इंडियंस जो बाहर रहते हैं उनसे हमें और क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, भारत सरकार भी चाहती है कि हमारे देश में लोग हर तरह की भाषाएं सीखें, पढ़ें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो दुनिया में नंबर वन पर है इंग्लिश बोलने और समझने के मामले में। अगर फ्लुएंट इंग्लिश की बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पर आती है पूरी दुनिया में, आफ्टर UK, जो कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की अपनी भाषा तो हिंदी है लेकिन भारतीयों की जो पकड़ है इंग्लिश को कितनी अच्छी है। लेकिन इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे भाषाओं पर जोर दिया जाता है, चाहे वो रशियन हो, जर्मन हो, इटालियन हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, इंडियंस लैंग्वेज के मामले में तो किसी से भी पीछे नहीं है। यही एक खासियत है जो इंडियंस को बाकी दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट होने में मदद करती है और अपने रिलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। और ये बात जरूर होती है कि आने वाले समय में लैंग्वेज की बैरियर हमारे साथ तो नहीं होने वाली, और अगर सुपर पावर बनना है तो दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक दृष्टि से। और ऐसे में इंडियंस का तो कोई जवाब नहीं है। आप जहां जाइए आपको हर पांचवा व्यक्ति इंडियंस मिलेगा और हो सकता है कि वो आपकी जुबान भी बोलता हो। चलिए आप बात कर लेते हैं पॉलिटिकल फैक्टर की। देखिए, दुनिया में बहुत सारे देश हैं और ज़्यादातर देश जो हैं वो शांति प्रिय हैं, यानी कि वो शांति पसंद करते हैं। डिक्टेटरशिप आज के ज़माने में तो चलता नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और अमेरिका से तो 4 गुना बड़ा है। यही एक खूबी है भारत की, जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को साथ रखता है और फिर भी डेमोक्रेटिक है। इस खूबी की वजह से दुनिया के और भी जो शांति प्रिय देश हैं भारत पर एक तो भरोसा करते हैं और भारत के साथ डेमोक्रेटिक दृष्टि से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और यह उनको कनेक्ट होने में मदद भी करता है। यही कारण है कि भारत बहुत आसानी से दुनिया के किसी भी देश के साथ अपने रिलेशंस बना सकता है, क्योंकि एक तो जो ट्रस्ट फैक्टर है वह हर कंट्री को भारत पर होता है, जो कि पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बनने में काफी मदद करेगा। अगर हम बात पॉलिटिकल कर ही रहे हैं तो उसी के साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि भारत का अपने पड़ोसियों से कैसा रिलेशन है। अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत के रिश्ते खराब हैं। भारत के बहुत सारे रिश्ते खराब होने के बावजूद भी जब बिजनेस की बात आती है तो भारत का ट्रेड इन देशों के साथ भी होता रहता है। यानी कि भारत अपने पॉलिटिकल स्तर पर तो हर देश से कनेक्ट होने की कोशिश करता ही है, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान कोई भी हो, लेकिन अपने दुश्मनों के साथ भी बिजनेस करना नहीं छोड़ता है। यही कारण है कि भारत रिश्ता अपने दुश्मनों के साथ, यानी अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, उनके साथ एक अच्छा है। ये बात बहुत भारत को खास बनाती है कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, ट्रेड तो होते रहना चाहिए, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए आप सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बन सकते, आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। और ये बात दुनिया के जब बाकी देश देखते हैं कि भारत अपने एनिमी कंट्रीज के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है तो हम पर ज्यादा बिलीव करते हैं, और फिर ये बिलीव का नतीजा है कि हमें वो सारी टेक्नोलॉजीज भी कई बार मिल जाती हैं जो कि शायद किसी और कंट्री को देने से पहले वो 10 बार सोचती होंगी, अब चाहे वो अमेरिका हो या फिर इसराइल हो या फिर रसिया हो। ट्रस्ट फैक्टर तो मैटर करता ही है। देखिए, अगर हम बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत साइंस के मामले में कितना आगे है। आपको तो पता ही होगा कि भारत IT के मामले में लीडिंग कंट्रीज में से नंबर वन पर आता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक फैक्टर और बताते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, भारत दुनिया में वो तीसरा देश है जिसके पास अपनी खुद की नेशनल स्पेस एजेंसी है, आफ्टर USA,
और रसिया। और एशिया में अगर बात करें तो तीसरी ऐसी कंट्री जिसने खुद के दम पर बनाया हुआ सैटेलाइट लॉन्च किया है आफ्टर जापान और चाइना, यानी कि भारत का चाहे वो एशिया में हो या वर्ल्ड लेवल पर हो, टेक्नोलॉजी और साइंस के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं है। भारत के बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, यहाँ तक कि नासा में भी भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं। अब आप भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी का जो दबदबा है वो तो समझ ही गए होंगे, अब भला साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को किससे सोचने की जरूरत है और क्यों सोचने की जरूरत है? देखिए, आने वाले समय में दुनिया में फॉसिल फ्यूल का तो जमाना नहीं रहने वाला। जो देश आपको चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो या फिर रसिया हो, अमेरिका हो, आज के समय में फॉसिल फ्यूल की वजह से उड़ रहे हैं, आने वाले समय में इनको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो फॉसिल फ्यूल का तो बिल्कुल भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि आने वाला समय या तो न्यूक्लियर एनर्जी का होगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का होगा या फिर फ्यूजन एनर्जी का होगा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत जिस एरिया में पड़ता है, यानी कि हम सनी ट्रॉपिकल बेल्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर धूप अच्छी खासी पड़ती है, इसका फायदा बहुत ज़्यादा भारत को होने वाला है। और एक बात बताते हैं, दुनिया का 25% थोरियम भारत में ही पाया जाता है, यानी कि ये सारी चीज़ें मिलकर भारत को फॉसिल फ्यूल से राहत दिला सकती हैं। और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी अगर भारत की ख़त्म हो जाती है तो समझ लीजिए भारत का बहुत सारा पैसा बाहर जाने से बच जाएगा। देखिए, हमने जहाँ बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स की बात की, वहाँ पर हम टूरिज्म को भूल नहीं सकते हैं। अगर हम आपको एक मोटी मोटा एक आइडिया बताएं तो 2005 में भारत में लगभग 3.9 मिलियन टूरिस्ट आए थे, और अगर टूरिस्ट आते हैं तो वह यहाँ रुकते भी हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। अब आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि हर पर्सन जो कि टूरिस्ट के तौर पर भारत में आया 2005 तक, उसने लगभग $1500 खर्च किए, जो कि फ्रांस में आने वाले टूरिस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और टूरिज्म होता है जो कि मेडिकल टूरिज्म, जो कि इंडिया में बहुत अच्छा है। एक आंकड़ा तो यह भी कहती है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, और ये आंकड़ा हर साल 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब टूरिज्म के लिए लोग आते हैं सिर्फ घूमने, यहाँ के आर्ट कल्चर म्यूजिक सोशल मॉडल को देखने, तब वो $1500 खर्च करके जाते हैं। पर देखिए, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा, वो है मिलिट्री के बारे में। देखिए, अपने देश की सुरक्षा करना हर किसी का कर्तव्य बनता है। आप चाहे इकोनॉमिकली कितना भी स्ट्रांग बन जाइए, सोशली कितना भी अच्छा बन जाइए, लेकिन अगर आप डिफेंस के मामले में पीछे हैं तो कोई भी देश आपको जब चाहे तब तमाचा मार के भाग जाएगा। हालांकि इस मामले में भी भारत काफ़ी अच्छा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री भारत की ही है। अगर एक्टिव ड्यूटी फोर्स की बात करें तो उसमें भारत नंबर वन पर है। वहीं पैरामिलिट्री की फोर्स की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है। यानी हमारी जो मिलिट्री है वो किसी से कम तो नहीं है, और अगर हमें सुपर पावर बनना है तो अपने मिलिट्री को तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। और वहीं अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो 1974 के बाद से ही भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री में गिना जाने लगा है, यानी कि भारत के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यानी कि अगर हम आने वाले समय किसी ऐसे बड़े खतरे से गुजरते हैं तो उसमें हमारे न्यूक्लियर पावर हमारी मदद तो जरूर करेंगे। और कोई देश सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा हो और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, आज के ज़माने में ऐसा हो नहीं सकता, वरना कोई भी देश आपको आँख दिखा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अगर वो किसी और कंट्री पर हमला करता है या किसी वजह से झगड़ा हो जाता है, ऐसे में अगर सामने वाले को पता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, तो वो आपको हर दिन मारेगा, और किस तरह से मारेगा उसका नज़ारा आप इस समय यूक्रेन और रसिया में देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारत को वो सारी चीज़ें मिलिट्री के तौर पर सपोर्ट कर रही हैं जो कि एक सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारी खूबियाँ भारत को बहुत मजबूत बनाती हैं। और जहाँ तक बात रही सुपर पावर बनने की, तो कोई भी देश इन खूबियों के बिना सुपर पावर तो नहीं बन सकता है। फिलहाल आप क्या मानते हैं कि भारत क्या सच में सुपर पावर आने वाले समय में बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? या आप अपने कुछ राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।